नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आप सबका मेरा ये छोटा सा YouTube फैमिली को। दोस्तों, आप तो देख रहे होंगे कि हमारा स्टॉक रेगुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप चैनल पर नया है तो आप खुद जाके देख सकते हैं कि हम जो स्टॉक रेकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है रेगुलरली। दोस्तों, ये शानदार स्टॉक सिलेक्शन पीछे का कारण है 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का पावर। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को समझ लो, उसके बाद आप खुद सिलेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए ऐसा एक कैंडल स्टिक लेके आया हूँ जिसको कि हर कोई ट्रेडर्स यूज करता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैंडल स्टिक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, क्योंकि ये कैंडल स्टिक का सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा होता है। वाओ दोस्तों, ये कैंडल स्टिक का नाम है हैमर। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सा बड़ी बात है, ये हैमर कैंडलस्टिक के बारे में तो हमको पता है, हम तो बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। हाँ, आपको पता हो भी सकता है, अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको तो पता होगा ही, बट इस कैंडल का एक्यूरेसी 90-95% होता है। ठीक है, अगर आपको इसी कैंडल से इतना एक्यूरेसी मिलता है तो आप समझ लो आपको पता है। अगर इससे कम एक्यूरेसी आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको इस कैंडल का सीक्रेट मालूम नहीं है। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसका सीक्रेट बताऊंगा, और दोस्तों ऐसे नहीं बताऊंगा, प्रूफ के साथ ही बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी कभी भी फेल होते हुए आपको दिखेगा तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि भाई देखो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रैटेजी गलत साबित हो गया, दिखा दो मेरे को। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा है। मैं 8 साल से इस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर का फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं, इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा एक छोटा सा विनती है, छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में 300 से 350 पॉइंट तक गिरावट आना चाहिए, पहला। दूसरा, 10 से 12 कैंडल 10 से 12 कैंडल फॉल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, मार्केट सेंटीमेंट, ओके। दोस्तों, ये जो 300 से 350 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी के बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी है तो यहाँ पे निफ्टी के केस में 8200 पॉइंट गिरावट आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक है यहाँ पे 2 से 3% डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये सेटअप बनता है कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे फॉल होते जा रहा है, ठीक है, ऐसे फॉल होते जा रहा है, बीच बीच में ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ ऐसे फॉल होते जा रहा है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे ये हैमर कैंडल, ये ग्रीन कलर का हो भी सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, कलर डजंट मैटर, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है, बट हैमर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये हैमर का मतलब क्या है, क्यों यहाँ से रिवर्स होने का चांस बनता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हैमर, देखिए
मार्केट यहाँ से फॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, यहाँ तक आया फॉल होके, ठीक है। और यहाँ से बायर एक्टिव हुए और फिर ऊपर लेके गए। तो दोस्तों बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक ले आए, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि शायद ये बॉटम आउट हो चुका है। तो हम ट्रेड कहाँ पे लें? क्या ये हामर कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे, हम कन्फर्मेशन को वेट करेंगे। तो दोस्तों कहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिलेगा? देखिए, ये हामर कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद अगर यहाँ पे और एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, जो कि ये हामर का जो प्रीवियस कैंडल था इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फर्मेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बाय ट्रेड, ठीक है। बाय ट्रेड इनिशिएट करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी हामर का नीचे, ठीक है, इसी हामर का नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट यहाँ पे हमारा ये जो डाउन ट्रेंड था इसका 60% हमारा टारगेट रहेगा, ठीक। दोस्तों ये एक नॉर्मल टारगेट है हमारा, बट टारगेट हम फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे अगर एक करेक्शन आया था, समझ लो यहाँ पे एक करेक्शन आया था, ये करेक्शन था, मान लो ये करेक्शन था, यहाँ पे हमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट हम 60% तक नहीं रखेंगे, टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, जहाँ से गिरावट आया था वहाँ तक टारगेट, पहला टारगेट रखेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि ये जो 10 से 12 कैंडल है ना, ये छोटा छोटा होना चाहिए भाई, ठीक है, ये ऐसे छोटा छोटा होना चाहिए। अगर ये जो 300 से 350 पॉइंट का गिरावट, ये अगर तीन चार कैंडल में हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल में, देखिए जैसे कि इतना बड़ा बड़ा कैंडल में 300-400 पॉइंट का गिरावट आ जाएगा और यहाँ पे एक हामर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया है। अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये छोटा छोटा चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो आसानी से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी एक चार्ट निकाल दीजिए और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कीजिए, देखिए कितना परसेंट रिजल्ट मिलता है, 90-95% मिलता है या नहीं, मैं गारंटी देता हूँ ये डेफिनेटली मिलेगा, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका किसी भी डाउट रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ वीडियो मैं बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं खुद आपके लिए ही मैं वीडियो बना दूँगा, आपका एक कमेंट पर भी मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ हमारा फैमिली मेंबर बन जाइए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।